सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयनगर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल धर्मजगढ़ में शिविर आयोजित किया गया था, जिसके लिए कुछ दिन पहले से ही प्रचार प्रसार किया जा रहा था। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति मेडिकल कॉलेज रायगढ़ की टीम द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान के लिए सिविल अस्पताल धर्मजगढ़ में पदस्थ डॉक्टर भूषण खुंटे, डॉक्टर नैन्सी लकड़ा रौतिया ने विशेष प्रशिक्षण लिया है। सुबह से ही तैयारी के बाद दोपहर में रक्त संग्रहण का कार्य शुरू किया गया, जिसमें शहर सहित आसपास के कई लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के बारे में डॉक्टर खुंटे ने बताते हुए कहा, आज जितनी यूनिट ब्लड डोनेट होगा उसका 10% सिविल अस्पताल धर्मजगढ़ के लिए आरक्षित रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर धर्मजगढ़ को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती, वहीं बहुत कम समय में ही इसकी पूर्ति हो जाती है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बताया जा रहा है सिविल अस्पताल में भी बहुत जल्द ही ब्लड स्टोर करने की सुविधा होने वाली है, जिससे धीरे धीरे ब्लड बैंक के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। रक्तदाता अजय कुमार गुप्ता ने कहा, मैं पूर्व में 25 से ज्यादा यूनिट रक्तदान कर चुका हूं। रक्तदान जीवनदान है, जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि होती है।